टोयोटा ऑफिशियली कंफर्म कर चुका है न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर जो कि एंड ऑफ 2024 तक लॉन्च हो जाएगी, वो भी कम्प्लीटली न्यू अवतार के साथ। बात करें करंट जनरेशन फॉर्च्यूनर की तो ये बेस्ड है IMB प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म पे इनोवा क्रिस्टा भी बना है। तो यहाँ पे जो ये न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर को बनाया जा रहा है, डिज़ाइन और डेवलप हो रहा है, ये कम्प्लीटली ऑल न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको डेवलप किया जा रहा है, जो कि है TNGAF आर्किटेक्चर, जो कि काफ़ी सारे ग्लोबल कार्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ग्लोबल प्रीमियम कार लैंड क्रूजर 300 में, लेक्सस LX500D में ये प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलने वाला है। तो न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है टोयोटा के तरफ से टैकोमा पिकअप ट्रक, इसमें भी यही प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है, और हमें भी लग रहा है कि इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज यानी कि न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर की डिज़ाइन लैंग्वेज कुछ कुछ आपको देखने को मिल सकता है टोयोटा टैकोमा जैसे, और ये काफ़ी बेहतरीन और बल्कि रगड डिज़ाइन लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे ऑल न्यू फ्रंट लुक आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल नया साइड प्रोफाइल और बिल्कुल नया रेयर प्रोफाइल, यानी कि पूरा नया गाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, और कई सारे प्रीमियम लेवल के एडवांस लेवल के फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको इंटीरियर में मिलने लगेगा। अभी की बात करें जितने सारे प्रीमियम कार्स आते हैं, क्योंकि फॉर्च्यूनर की इंडिया के प्राइस रेंज काफ़ी प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम गाड़ियों को कम्पीट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे, जैसे कि पैनारोमिक सनरूफ, एडास बेस्ड सेफ्टी फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, काफ़ी बड़ा टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सभी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी, 360 डिग्री कैमरा और कई सारे एडवांस फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ये न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर में आपको डीजल इंजन मिलेगा, वो भी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे आपको 2.8 लीटर की डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा, और ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ आपको बेहतरीन टॉर्क मिल जाएगा, अपने डिमांड के अनुसार ये भी टॉर्क आपको प्रोवाइड करेगा बिकॉज ऑफ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंजन स्टार्ट और स्टॉप सिस्टम के साथ भी आने वाला है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा। एक्सपेक्टेड तो यही है एंड ऑफ 2024 तक टोयोटा अपने न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर को लॉन्च करने वाला है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। तो आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, बाय।